सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? ऐसा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर को खेलने के लिए हमें किस टाइप का डेस्कटॉप बनाना चाहिए। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि फ्री फायर को खेलने के लिए हमें कैसा प्रोसेसर चाहिए, कैसा रैम चाहिए, कैसा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, अगर आप ये सब सोच रहे हो, मॉनिटर कितने रुपए का लेना चाहिए, तो ये वीडियो गाइस खास आप ही के लिए है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्री फायर को चलाने के लिए किस टाइप का प्रोसेसर बेस्ट है, ग्राफिक्स कार्ड आपको यूज करना है या नहीं करना, एंड आपको बताऊंगा कि फ्री फायर को खेलने लायक जो मतलब कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाओगे तो उसमें पूरा कितना खर्चा आता है, वो सभी कितने खर्च में आ जाएगा फ्री फायर को खेलने लायक, मतलब कितने रुपए में हम पूरा पीसी बिल्ड कर लेंगे फ्री फायर के लिए। तो ये सभी जानकारी आपके पूरे डाउट्स वगैरह हर चीज पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो ये वीडियो गाइस खास आप ही के लिए है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर बंदे को जानना जरूरी है कि इसकी फ्री फायर को पीसी में कैसे खेला जाता है, क्या क्या पार्ट जरूरी है। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। एंड इससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस, हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि फ्री फायर को खेलने के लिए क्या क्या पार्ट की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको उसका प्राइस भी बताते जाऊंगा। तो पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देख लीजिए, हर बंदे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में जानना ही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर फ्री फायर को खेलने के लिए कितना रुपए का आ जाएगा, एंड कौन सा प्रोसेसर यूज करें। इंटेल का आता है और एक आता है राइजन का, मतलब कि AMD राइजन 3, राइजन 5। तो देखिए, फ्री फायर को खेलने के लिए एकदम सस्ता प्रोसेसर भी चल जाएगा, मतलब उसके लिए कोई हाई लेवल का प्रोसेसर जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल गेम है। मोबाइल गेम को अगर पीसी में चलाओगे ना, तो पीसी का तो भाई 15-20 GB का गेम रहता है, उससे ज्यादा कभी रहता है, वो भी पीसी में बड़े आसानी से चल जाता है। तो देखिए गाइस, फ्री फायर को खेलने के लिए आपको बिल्कुल सस्ता प्रोसेसर परचेस करना है। तो इसके लिए आपको बता सकता हूं, आप ले सकते हो राइजन 3 का भी ले सकते हो, मतलब फ्री फायर को अल्ट्रा में चला देगा एंड रिकॉर्डिंग भी कर देगा। अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेगा, मतलब कि 5-6 घंटा फ्री फायर में लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो, थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हो, एंड अल्ट्रा में ही खेल रहे हो फ्री फायर को अच्छा खासा, तो उसके लिए राइजन 3 भी बेस्ट है। एंड इंटेल का साइड अगर बात करें तो इंटेल का i3 भी बेस्ट है, i5 या फिर राइजन का राइजन 5, ऐसे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसमें तो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। मैं सिर्फ फ्री फायर की बात करूं, अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह और भी बड़े बड़े गेम खेलोगे, मतलब कि पीसी का चाहता है GTA वगैरह, तो उसके लिए आप राइजन 5 में जा सकते हो, इंटेल का i5 में भी जा सकते हो। मतलब कि i3 का कौन सा लेना चाहिए या फिर राइजन 3 का कौन सा लेना चाहिए, तो इसमें से आप जो टॉप वाला आता है उसको ले सकते हो। और इस प्रोसेसर की जो प्राइस रहती है लगभग, मतलब इसकी प्राइस लगभग 12,000 के आसपास ही आ जाएगा, और 20,000 के आसपास में इस राइजन 5 आ जाता है, तो आप उससे कम का ही, मतलब समझ लो 15,000 में आपका प्रोसेसर फिक्स हो जाएगा, उससे कम में भी आ जाएगा। ये गाइस मैं इसलिए परफेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई आज या कल में ना प्रोसेसर के दाम इतने ज्यादा घट बढ़ जाते हैं कि पूछो ही मत। आज यहाँ है तो कल आसमान में चला जाएगा। आप चाहो तो Amazon में सर्च कर लेना, Amazon में आपको कोई सिंपल से सर्च करना है इंटेल प्रोसेसर, तो वहां पर बहुत सारे प्रोसेसर आ जाएंगे एंड प्राइस भी बहुत ही इजिली देख पाओगे। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, प्रोसेसर तो हो गया, अब ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड यार मतलब आसमान में, उसका प्राइस अभी तो पूछो ही मत, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ग्राफिक्स कार्ड अगर परचेस कर रहे हो तो ठीक है, अगर आपके पास ज्यादा बजट है तो, लेकिन ग्राफिक्स कार्ड तो यार लगभग 20-25,000 या फिर उससे ऊपर का ही आएगा। तो आप उतने में अगर ले रहे हो ना, तब ठीक है, अगर नहीं ले रहे हो तब भी आपको कोई ऐसा प्रोसेसर लेना है, मतलब कि जैसे कि आप इंटेल या फिर AMD का सस्ता वाला प्रोसेसर ले रहे हो, तो वहां पर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा रहता है, मतलब प्रोसेसर में ही एक ग्राफिक्स कार्ड रहता है जिसमें आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वैसा वाला ले लेना और फ्री फायर उसमें अच्छा चल जाएगा। अगर वैसा वाला प्रोसेसर नहीं ले रहे हो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला, तो कैसे अगर प्रोसेसर में ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो उसमें कैसे आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका बजट एकदम कम है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला ही जो प्रोसेसर रहता है उसी को लेना। अभी हम बात करते हैं कि इस कैबिनेट कितने रुपए का लेना है। तो कैबिनेट से तो कोई फ्री फायर का लेना देना नहीं रहता, आप चाहो तो 500-600 रुपए या 1,000-1,500 का भी ले सकते हो, लेकिन 1,000 या 1,500 ऐसे का ही लेना, क्योंकि उसमें RGB लाइट वगैरह दिया रहता है एंड वो अच्छा रहता है। मतलब कि 500-600 रुपए का लोगे तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा, आपका मन भी नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा अच्छा वाला ही लेना है, मतलब 1,500-1,500 में अच्छे से अच्छे आ जाते हैं। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि इस अंदर के उसमें RGB वगैरह लगाने की बात आती है, फैंस में RGB लगाते हैं एंड बंदे लोग अलग अलग रैम वाला RGB लेते हैं, तो उसमें आपको कौन सा लेना चाहिए। तो फ्री फायर को खेलने के लिए तो 8GB रैम परफेक्ट है पीसी में, क्योंकि यार देखो उतना हाई लेवल का गेम नहीं रहता, तो 8GB रैम में आप अल्ट्रा में आराम से खेल सकते हो, मजे कर सकते हो, लेकिन अगर आप और भी ज्यादा करोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 8GB रैम वाला ले लेना, 8GB रैम वाला मतलब 8GB का दो ले लेना, 8 × 2 = 16 हो जाएगा, तो वैसे में 16GB हो जाएगा। तो 16GB कितना तक आ जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 8GB वाला ले रहे हो ना रैम, 8GB का रैम लाता है, मतलब उसमें लाइट लगा रहता है, उसको बोलते हैं 8GB, तो उसमें लगभग 4 से 4,500 में एक आ जाएगा 8GB का। तो वैसे हम समझ लो आपका 8,000 तो ऐसे ही चला जाएगा, तो उसमें आपको वाला नहीं लेना है, आपको 3,000 के आसपास जो आता है नॉर्मली बिना 8GB वाला, वो भी अच्छा ही रहता है, तो उसमें कैसे आपको वाला लेना है बिना लाइट वाला। मतलब लाइट दिखाने का क्या है यार, अगर आप कम मतलब कम प्राइस में पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसमें आपका 7,000 के आसपास में या फिर उससे कम में भी आ जाएगा रैम। अब बात करते हैं ये जो अंदर के रहते हैं, मतलब पावर सप्लाई वाला रहता है, जैसे कि मदरबोर्ड भी रहता है, तो मदरबोर्ड तो आपका लगभग 3,500-3,500 में आ जाएगा, मतलब ये सबसे कम प्राइस का है 3,000 वाला, और कहीं उससे ज्यादा ले रहे हो तो 5,000 में भी अच्छा खासा आ जाता है। तो 3,000 या 3,500 में ले लेना अच्छा
सा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आता है MSI का आता है और भी अच्छे अच्छे आ जाते हैं, तो मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा ही होता है, उसमें आपको कोई सोचने की बात नहीं है। एंड भाई बात करें हमारे पावर सप्लाई के बारे में, तो यार पावर सप्लाई का अलग अलग वाट के मतलब वाट के अकॉर्डिंग आता है, 700 वाट का आता है, 400 वाट का आता है, तो उसमें वाट को मुझे पता नहीं है, लेकिन वाट के लगभग समझ लो आपका 4000 के आसपास में पावर सप्लाई बिल्कुल अच्छा वाला आ जाएगा, जो बहुत अच्छे से PC को रन करेगा। अभी आप सब मतलब जो जो प्राइस बता रहा हूँ उसको जोड़ते जाओ, उसके बाद आपको लास्ट में खुद पता चल जाएगा कितने रुपीस के आपका मतलब कि फ्री फायर को चलाने के लिए कितने रुपीस का खर्चा हो जाएगा PC बिल्ड करने में। तो देखिए ये सभी आपको बता दिया। एंड हम बात कर लेते हैं लास्ट हमारे मॉनिटर के बारे में और कीबोर्ड और माउस के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखिए मॉनिटर में वैसे आपको कोई मतलब हाई ग्राफिक्स वाला 4K 2K ये सब परचेस करने की जरूरत नहीं है, तो वैसे आपका CPU जो है ना वो डाउन हो जाएगा, मतलब उसमें मतलब आपका पैसा खर्च नहीं हो पाएगा CPU में, आपका पूरा पैसा मॉनिटर में चला जाएगा 4K अगर ले रहे हो तो। वैसे तो आने में 15-20 हज़ार या फिर 20-22 हज़ार में आ जाता है 4K, लेकिन 4K लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि यार आपको डिस्प्ले में अगर आपको एकदम हाई ग्राफिक्स का मजा लेना है ना, तो आपका हाई ग्राफिक्स तो चल जाएगा उसमें दिखा देगा, लेकिन अगर आपने CPU को बिल्कुल मतलब रंग ढंग का किया ही नहीं है तो उसमें अटकने लगता है, तो वो सब मत लेना। आप इस कोशिश करना कि आपका जो CPU है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा खर्च हो, उसमें ही मतलब पूरा पैसा लग जाए, एंड उसमें जो प्रोसेसर वगैरह लगा रहे हो मदरबोर्ड वो सभी एकदम हाई परफॉर्म करे, तो उससे गाइस आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, फ्री फायर और अच्छे से रन करेगा। अगर आप 4K का सेट भाग रहे हो, आपका बजट कम है ना, तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है, तो इसीलिए अपने CPU को ज़्यादा अच्छे से देखना, उसको ज़्यादा अच्छे से बनाना। तो देखिए अब बात कर लेते हैं मॉनिटर के बारे में, अब किस टाइप का मॉनिटर लेना चाहिए। यहाँ पर समझ लो आपका मॉनिटर जो है 10,000 से 15,000 के अंदर में आ जाएगा, वो भी IPS डिस्प्ले के साथ। IPS पैनल होता है, एक होता है VA पैनल होता है, और भी बहुत सारे 2-3 पैनल होते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट होता है IPS पैनल, जिसमें कलर बहुत अच्छे से दिखता है। एंड आशा करता हूँ आपको फ्री फायर का कंप्यूटर के लिए थोड़ी बहुत जानकारी मिली गई होगी, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।